अंग्रेजों के राज में एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसका आसाम का भाग्य बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है। आज आसाम जो कुछ भी है ये उनका वो सपना है जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी और लड़े थे। इस इंसान का जन्म 6 जून 1890 को रोहा जिला नौगांव में हुआ। इनका नाम रखा गया गोपीनाथ बर्दोलोई। उनके पिता बुद्धेश्वर बर्दोलोई एक डॉक्टर थे। उनकी माता का देहांत जब वो 12 वर्ष के थे तभी हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने बहुत कठिनाई के साथ उनकी परवरिश की थी। अपने बचपन से ही वो असम के आम लोगों के करीब रहकर बड़े हुए और फिर जीवन भर ये निकटता कम न हुई। उन्हें गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा गया। गोपीनाथ ने कहा, यदि मैं स्वतंत्र हूँ अपने प्रेम में, अपनी आत्मा में, तब मैं आजाद हूँ अपने अकेलेपन में, और मुझे विश्वास है कि मैं इसका पूरी तरह आनंद उठा सकता हूँ। उन्होंने अपना इंटरमीडिएट कॉटन कॉलेज से पूरा किया, जहाँ उनका सांस्कृतिक जीवन बहुत अच्छा गुजरा। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो 1909 में कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए। जिस समय बंगाल में स्मरणीय घटनाएं हो रही थीं, उस समय लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, इस प्रयत्न में लगे हुए थे कि अंग्रेजों की विपरीत भावनाओं को दबाया जाए। उनकी बीए की अंतिम परीक्षा से पहले ही उनके पिता और बड़े भाई उन्हें बुरी आर्थिक स्थिति में छोड़कर एक के बाद एक चल बसे। परंतु उनकी बड़ी बहन ने औरतों के लिए रेशम की बुनाई करके उन्हें अपनी एमए की शिक्षा जारी रखने का हौसला दिया। 1914 में अपनी एमए की शिक्षा पूरी करके बर्दोलोई आसाम वापस लौटे। अंग्रेजों के विरुद्ध जो आवाज उन्होंने कलकत्ता में सुनी थी तरुण राम फूकन की, उन्हीं आवाजों की गूंज आसाम में भी थी। तरुण राम फूकन और बर्दोलोई के बीच बहुत ही नजदीकी संबंध बन गए। स्वदेशी नेता ने हर मोड़ पर बर्दोलोई का मार्गदर्शन किया। फूकन ने बर्दोलोई से कहा कि चलो ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हें काम नहीं मिला, वरना हम तुम्हें अंग्रेजों के हाथों खो देते। और हाँ, पश्चिमी गुवाहाटी में एक हाई स्कूल खुल रहा है जिसके लिए एक हेडमास्टर की आवश्यकता है। फूकन सही थे, अंग्रेजी सरकार के घाटे में ही आसाम का लाभ था। बर्दोलोई ने स्कूल की नौकरी के साथ साथ अपनी वकालत की पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने 1917 में गुवाहाटी की बार काउंसिल में प्रवेश किया। उसी साल उत्तरी गुवाहाटी के स्वर्गीय भूमिकांत मजिंदर बरुआ की इकलौती सुपुत्री सुरबाला से उनका विवाह हुआ। स्वराज्य के लिए गांधी जी की आवाज पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। आसाम एसोसिएशन खत्म कर दी गई और उसके सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बर्दोलोई भी इस आवाज से मुंह न मोड़ सके और अपनी वकालत छोड़कर साथ हो लिए। जैसे ही इस आंदोलन ने जोर पकड़ा, गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। बर्दोलोई गुवाहाटी कांग्रेस कमेटी के उपसचिव बन गए। वो गांधी जी की सीख को गांव-गांव पहुंचाने लगे। एक खामोश दर्शक अब पूरी तरह से क्रियाशील हो चुका था।
जब 1921 में गांधी जी आसाम आए तो उन्होंने 25,000 लोगों के सामने विदेशी कपड़ों के भंडार को आग में जला दिया। नवंबर 1921 को फूकन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बचाव के लिए एक सभा हुई। फूकन का ये शिष्य अब आसाम की एक नई उभरती हुई आवाज बन चुका था। दिसंबर 1921 में जब वो अहमदाबाद के कांग्रेस सेशन में जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें खबर मिली कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, और ये अच्छा ही हुआ कि वो भेस बदल कर निकल गए। जब पुलिस आई तब वो जा चुके थे। अहमदाबाद में गांधी जी ने उन्हें राय दी कि वो फूकन के भाषणों का प्रचार करें तथा स्वतंत्रता के संदेश को आसाम के घर घर तक पहुंचाएं। स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार, फूकन का भाषण आसाम के गांव गांव में प्रचार करोगे तो आजादी मिलेगी। वापिस लौटने पर बर्दोलोई को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन राजनीतिक कार्यों से बर्दोलोई गहराई से जुड़े हुए थे, उनकी फिलॉसफी के बारे में सोचने का उन्हें जेल में समय मिला। जब वो जेल से वापिस लौटे तब उन्हें अपने जीवन का मकसद मिल चुका था। उनका मकसद था आसाम के लिए लड़ना। उन्नीस में जब लाहौर में कांग्रेस ने संपूर्ण बायकॉट का रेजोल्यूशन पास किया, तब बर्दोलोई और फूकन ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार से लड़ना है तो उनके अंदरूनी ढांचे से भी लड़ना होगा। इसी मतभेद के कारण उन दोनों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बर्दोलोई गुवाहाटी नगर के चेयरमैन बन गए। ये वही समय था जब उनकी दो मांगे काफी लोकप्रिय हो रही थीं, यानी आसाम का अपना एक अलग हाईकोर्ट, अपना एक अलग विश्वविद्यालय होना चाहिए। सैतीस तक बर्दोलोई दोबारा कांग्रेस में शामिल हो चुके थे और वो आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन लिए गए थे। हालांकि असेंबली में ये अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी कांग्रेस के बड़े उत्तराधिकारियों ने आसाम कांग्रेस को किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी। ठीक 18 महीनों के बाद, जबकि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बर्दोलोई को आसाम में गठबंधन सरकार बनाने की अनुमति दे दी। बर्दोलोई सरकार 14 महीने चली और उनकी सरकार ने चाय उत्पादकों पर कृषि आयकर लागू किया। जबकि धनी अंग्रेज चाय उत्पादक काफी उत्तेजित थे, परंतु एक साल के अंदर ही 40 लाख रुपए आयकर के रूप में जमा हुए। गरीब उत्पादकों का कर कम करके धनी उत्पादकों पर आयकर बढ़ाया गया था। जिन किसानों के पास कम भूमि थी उनका भूमि कर 50% तक कम कर दिया गया। गरीब कृषक जो अधिकतर कर्जों के बोझ से दबे हुए थे और हर समय जमीन के छीनने से डरते थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली। शुद्धला सरकार के समय में बंगाल से आए हुए लोगों ने आदिवासियों की जो जमीनें दबा रखी थी, बर्दोलोई ने उन्हें वापस दिला दी। इससे आदिवासी बहुत प्रसन्न थे।
खिलाफ प्रचार करने के लिए कांग्रेस सत्याग्रह के मार्ग पर चल पड़ी। सत्याग्रहियों और अंग्रेजों में अब खुलेआम द्वंद्व छिड़ गया। 10 दिसंबर 1940 को बर्दोलोई ने गुवाहाटी में चर्च के मैदान में सत्याग्रहियों को बुलाया। बर्दोलोई को गिरफ्तार करके एक साल के लिए जोरहाट जेल भेज दिया गया। जेल में ही बर्दोलोई ने ये दुखद समाचार सुना कि अंग्रेज सरकार ने इंडियन प्रेस एक्ट लागू कर दिया है, जिससे कि समाचार पत्रों और छापा खानों पर रोक लग सके तथा लड़ाई के विरुद्ध कोई भी प्रचार न हो पाए। छह महीनों के बाद स्वास्थ्य कारणों की वजह से बर्दोलोई को रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1941 को गुवाहाटी कॉटन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा लड़ाई के विरुद्ध जुलूस निकाले जाने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लड़के और लड़कियां घायल हुए। बर्दोलोई ने उस डिप्टी कमिश्नर को हटवाने की मांग की जो इस पुलिस यातना का जिम्मेदार था, परंतु अंग्रेज सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अंग्रेज हुकूमत हर तरह से घबराई हुई स्थिति में थी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था, उन्हीं दिनों 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई में मिलकर युद्ध और स्वतंत्रता के विषयों पर विचार विमर्श किया तथा तुरंत हुकूमत बदलने की मांग की गई। 9 अगस्त को गांधी जी तथा दूसरे राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस को कानून भंग करने वाली पार्टी घोषित कर दिया गया। बंबई से वापिस आते हुए भूबरी रेलवे स्टेशन पर बर्दोलोई को भी गिरफ्तार करके जोरहाट जेल भेज दिया गया। जबकि बर्दोलोई जेल में सलाखों के पीछे अपने दुखी दिन काट रहे थे, उस समय जेल के बाहर लोग अपने नेता के बगैर अंग्रेजों के साथ मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। जेल में बर्दोलोई ने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से दो उनके आदर्श गांधी जी और फूकन के ऊपर हैं और एक श्री राम के ऊपर, जिन्हें वो एक आदर्श महापुरुष मानते थे। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध, ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद साहब पर भी पुस्तकें लिखी। जेल में वो कुछ ऐसी बड़ी हस्तियों से भी मिले जो बाद में अमर हुई, जैसे कमला मीरी और कुशाल कुंवर। जनवरी 1944 को उन्हें स्वास्थ्य कारणों की वजह से छोड़ दिया गया। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें सेवाग्राम बुला लिया, लेकिन वो अपने कार्यों के कारण वहां अधिक दिन नहीं रह पाए। 14 नवंबर 1944 को अपने आजाद हुए 3 साथियों के साथ वो आसाम असेंबली के विंटर सेशन में उपस्थित हुए और वहाँ उन्होंने नागरिक अधिकार सुरक्षा पर एक यादगार भाषण दिया। बर्दोलोई ने कहा कि हमारी आवाज चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, हम उस बुराई के विरुद्ध लड़ना जारी रखेंगे जिसने हमारे जीवन को दुखों से भर दिया है। हम अपने वो कार्य भी करते रहेंगे जिससे मनुष्य के प्राथमिक अधिकार जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब बोलने और लिखने के उन अधिकारों से है जिन्हें लड़ाई के नाम पर छीन लिया गया है। ब्रिटिश 1945 में अंग्रेज सरकार ने आम चुनाव घोषित किया। गोपीनाथ बर्दोलोई चुनाव में शानदार विजयी रहे। बर्दोलोई की नई सरकार ने फरवरी 1946 में अपना काम करना शुरू कर दिया। मार्च 1946 में ब्रिटेन की लेबर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया
कि भारत के नवीन संविधान को बनाने की संभावना हेतु एक कैबिनेट मिशन भेजा जाए। इस मिशन की योजना के अनुसार अंग्रेज सरकार ने भारत को 3 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया तथा असम को सी भाग में रखा गया। आसामी लोग अपने असम और उसकी पहचान को बचाने के लिए बर्दोलोई की ओर ही आशा की नजरों से देखने लगे। एक अप्रैल 1946 को जब बर्दोलोई का कैबिनेट मिशन के साथ साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने जोर दिया कि असम को एक अलग प्रांत ही रखा जाए, क्योंकि भाषा और संस्कृति की विभिन्नता के कारण वो पहले से ही अलग है तथा स्वावलंबी है। परंतु कैबिनेट मिशन अपने विभाजन के निर्णय पर डटा रहा। भारतीय नेताओं और पत्रकारों में भी इस मुद्दे पर मतभेद था। बर्दोलोई ने एक बार फिर गांधी जी से सहायता मांगी और गांधी जी ने उन्हें मायूस नहीं किया। गांधी जी ने कहा, असम को अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिए। No one must force Assam to do what it does not want to do. 20 फरवरी 1947 को अंग्रेज प्रधानमंत्री एटली ने ये घोषणा की कि जून 1948 से पहले ही भारत को हर हालत में स्वतंत्रता मिल जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को भारत विभाजन के लिए रजामंद कर लिया। कैबिनेट मिशन की योजना को रद्द कर दिया गया तथा लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात को मान लिया कि असम भारत का ही एक भाग रहेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। असम को अपना भविष्य खुद बनाने के लिए किए गए आंदोलन का सुखद अंत हुआ। बर्दोलोई केवल 3 वर्षों के बाद ही चल बसे। ये बहुत ही कम समय था उनकी ढेर सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए। बर्दोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे। 1948 में उनकी सरकार ने असम की औद्योगिकरण नीति का चलन किया, जो असम की औद्योगिक योजना के लिए अति आवश्यक थी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 1948 में आरंभ की गई। असम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी उनके समय में ही स्थापित हुए। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना भी 1948 में ही हुई। अधिकतर वो सारी संस्थाएं जिन पर आज आधुनिक असम को गर्व है, बर्दोलोई के समय में ही जब वो मुख्यमंत्री थे स्थापित हुईं। वो संविधान की उपशाखा के चेयरमैन बनाए गए तथा उन्होंने भारत के संविधान के 6वें शेड्यूल का ढांचा बनाया। पांच अगस्त 1950 को उलुबेरी में अपने घर पर बर्दोलोई का दिल के दौरे से देहांत हो गया। असम ने वो इंसान खो दिया जिसने उसे तराशा था। बर्दोलोई की अपनी कविता उनके अपने संपूर्ण जीवन को अंकित करती है। पुष्पांजलियां शायद सूख गई हैं। एक गहरे दुख में मैं अपना रास्ता भूल गया। तुमने मुझे रास्ता दिखाया अपनी बांसुरी की धुन से। मेरा चमन है बिना किसी फूल के। मेरा जीवन का गीत, मेरी अंतिम आरती एक पूजा होगी एकांत की तुम्हारे चरणों पर।